मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे लोकल ट्रेन बॉम्बे में थोड़ो कि उसको धक्का लग गया तो वो ऑब्जर्व करना था, उसमें बवाल नहीं मचाना था, मारपीट गाली गलौच नहीं करनी थी। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हम इतने डूब जाते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं तो हमें रीशूट करना पड़ता है। हम फिर थोड़े घर पे बैठ के बोलते हैं यार इतना क्या जरूरत थी गुस्सा होने की, इरिटेट होने की, चिल्लाने की, गाली देने की, मारने की जरूरत ही नहीं थी, इसको तो हम शांति से भी समझ सकते थे। इज इट राइट? फिर कोई कहता है ऐसे सिचुएशन में थोड़ा पानी पी लो। अब पानी क्या करता है, उस चीज़ को डाइल्यूट करता है। तो हम रिग्रेशन में भी क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ में जब वो नेगेटिव बहुत देखता है ना तो हम उसको डाइल्यूट करते हैं एफर्मेशन के साथ, कुछ मंत्र के साथ, कुछ सिंबल्स के साथ। तो वो इशू डाइल्यूट होता है ना तो वो उसको बहुत पॉजिटिव ले लेता है जो पहले उसने कभी नहीं लिया था, क्योंकि उसने उस सिचुएशन को गांठ बांध ली थी, उसने नॉट बना दी थी। इज इट राइट? तो उस नॉट को छोड़ने के लिए ना हमें सिंबल्स की जरूरत है जो उसको अनलॉक करें।